दुनिया में सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते समय अपना कुछ बनने का एक लक्ष्य निर्धारित करते रहते हैं, जिसमें से कुछ अभ्यर्थी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो कुछ अभ्यर्थी बैंक मैनेजर, और जिनमें से बहुत अभ्यर्थी ऐसा भी होते हैं जिनका सपना इंजीनियर बनने का होता है। इंजीनियर बनने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद से ही इंजीनियरिंग बनने की तैयारी शुरू कर देनी होती है, क्योंकि इंजीनियर का कोर्स करने में 3 या 4 साल का समय लगता है, और साथ ही इंजीनियर बनने के लिए स्टूडेंट को बहुत अधिक मेहनत भी करनी होती है, जिसके बाद ही स्टूडेंट अपने इस लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा पद होता है, जिसमें स्टूडेंट को बहुत अधिक जानकारी के साथ सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। यदि आप इंजीनियर बनने के विषय में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, कोर्स क्या है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, परसेंटेज क्या है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंजीनियर क्या होता है? जो व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करे, उसका डिजाइन बनाए या मशीन टेस्ट करे, अलग अलग प्रयोग करके किसी नई वस्तु का आविष्कार करके सफलता प्राप्त कर ले, तो उस व्यक्ति को हम इंजीनियर कहेंगे। जो स्टूडेंट इंजीनियर बनने का सपना देखता है, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करनी होती है, जिसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना जरूरी होता है, क्योंकि इन डिग्रियों के बिना अभ्यर्थी एक इंजीनियर नहीं बन सकता है। किसी नई चीज़ का निर्माण कर लेने वाले व्यक्ति को हम इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियरिंग कितने प्रकार का होता है, बात करते हैं। इंजीनियरिंग के कई पार्ट होते हैं, जिनमें स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर में रुचि रखते हैं तो कुछ कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करके अपना भविष्य कंप्यूटर के क्षेत्र में बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं। इसके साथ ही इंजीनियर के अंतर्गत और भी कई पार्ट होते हैं, जिनके लिए पढ़ाई करके अभ्यर्थी के इंजीनियर बन सकता है, जो इस प्रकार से है। तो चलिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियर, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, और भी बहुत सारी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्रीज की। तो इसमें आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिल सकती है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, ऑटोमोटिव की इंजीनियरिंग की डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री। तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मिल सकती है, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिग्री, फिर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग डिग्री। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो फिर रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो मटेरियल साइंस, सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन, इन्वायरमेंटल, केमिकल, एग्रीकल्चर, पेपर, इन सब की डिग्रीज। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिग्रीज। तो सिस्टम इंजीनियरिंग डिग्री, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिग्री, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिग्री, MBA इन इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिग्री। दोस्तों टाइप ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डिग्री की बात करें तो जियो टेक्निकल में आपका जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मेरियाइन इंजीनियरिंग डिग्री, माइनिंग इंजीनियरिंग, फोटोनिक इंजीनियरिंग, जियोमेटिक इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री। तो सब बहुत सारे इंजीनियरिंग होते हैं, मतलब मेनली अगर देखें तो 3 ही है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, पर इनके इतने पार्ट है ना कि क्या ही बताऊं। तो भारत में प्रमुख शोध संस्थान यानी कि इंडियन मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इंजीनियरिंग के लिए आपको कुछ और बता देते हैं। तो इंजीनियरिंग कैसे बने, तो इसमें आपको इंजीनियरिंग बनने के लिए स्टूडेंट को 12वीं के बाद पढ़ाई करनी होती है। इसके साथ स्टूडेंट कुछ और टिप को अपना कर इंजीनियरिंग बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला, अपनी रुचि के प्रति एक लक्ष्य तय करें। दूसरा, इंजीनियरिंग शाखा से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर लें। तीसरा, अपने काम के लिए कंपनी का चुनाव करें। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग बनने की योग्यता की। तो इंजीनियरिंग बनने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं में सफलता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। इसके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री करने का आवश्यक होता है। इसके अलावा स्टूडेंट BE और BTEC का कोर्स करके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बनने के लिए कोर्स की बात करें तो इंजीनियर बनने के लिए अभ्यर्थी कोई कोर्स कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स। स्टूडेंट इंजीनियर बन सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप वो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।